दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मोहम्मद जुबैर को लेकर दिल्ली पुलिस ने अहम खुलासे किए हैं, उसके बारे में आपको तफसील से इस वीडियो में बताएंगे। दिल्ली पुलिस ने यह भी पाया है कि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के समर्थन में ट्वीट करने वाले ज्यादातर जो ट्विटर हैंडल थे वो मध्य पूर्वी यानी कि मिडिल ईस्ट देशों और पाकिस्तान के थे। दिल्ली पुलिस के वकील ने यह भी कहा कि अभियुक्त की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की जाँच से प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उन्होंने कथित तौर पर रेजर गेटवे के जरिए पाकिस्तान और सीरिया से फंड हासिल किए हैं। बता दें कि सुनवाई के बाद पुलिस की तरफ से मैसेज जारी किया गया था कि जुबैर की याचिका रद्द हो गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद जल्द ही पुलिस की तरफ से सफाई दी गई और कहा गया कि शोर की वजह से उन्हें कंफ्यूजन हुआ और उन्होंने ग्रुप में मैसेज शेयर कर दिया। तो जब ये सूचना बाहर आई तो जुबैर के वकील सौतिक बैनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है कि कोर्ट से पहले ही पुलिस ने जजमेंट मीडिया के साथ शेयर कर दिया। खैर, इस मामले की बात करते हैं, अदालत में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ है वो बताते हैं। और जुबैर की गिरफ्तारी जो है, आपको बता दें 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर हुई। दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर हाल ही में सबूत मिटाने और साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप में नई धाराएं अब लगा दी हैं। जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क भी जब्त की गई है। जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी वकील वृंदा ग्रोवर और दिल्ली पुलिस के वकील में जोरदार बहस हुई। वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर न्यायपालिका का मजाक उड़ाया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कहा कि जुबैर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये सीआरपीसी की धारा 41 के तहत जांच अधिकारी का विवेक है। अब इसके बाद आया अदालत में फिल्म का मुद्दा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2018 में मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में हनुमान होटल लिखा हुआ था। जुबैर ने जो तस्वीर शेयर की थी वो असल में 1983 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म किसी से न कहना का स्क्रीनशॉट था। पुलिस ने कहा कि जब ये फिल्म आई थी तब ना इंटरनेट था ना ही ट्विटर था और उस वक्त जो है मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, ये इकोसिस्टम नहीं था। 2018 में इस मामले में ट्वीट किया गया था और ये ट्वीट अभी भी लगातार है, वहीं पर ट्विटर में है, सभी लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लगातार इस मामले में अपराध का अनुसरण किया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने जुबैर की बैंक डिटेल्स की जानकारी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को दी है। साथ ही एफआईआर की कॉपी भी दी है जो कि ईडी को सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि ये डिटेल कॉपी 29 जून को सौंपी गई थी। पुलिस ने प्रावदा फाउंडेशन आईसीआईसीआई बैंक की डिटेल्स ईडी को सौंपी है। सूत्रों की माने तो इस अकाउंट में पाकिस्तान और सऊदी से भी रकम आई है। रेजर पे पेमेंट गेटवे से मिले जवाबों के एनालिसिस से ये पता चलता है कि अकाउंट्स में कई लेन देन की डिटेल्स हैं जिसमें मोबाइल फोन नंबर भारत से बाहर का है या फिर आईपी एड्रेस विदेशों और विदेशी शहरों का है। इनमें बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, उत्तरी हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद क्षेत्र, शारजा, स्टॉकहोम, आबू धाबी, वॉशिंगटन, कैंसस, न्यू जर्जी, ओंटारियो, कैलिफोर्निया, टेक्सस, लोअर सैक्सोनी, बर्न, दुबई, उसी में स्कॉटलैंड शामिल है। इन देशों और शहरों के पावदा मीडिया को कुल मिलाकर लगभग 2,31,933 रुपए के फंड मिले हैं। सोशल मीडिया एनालिसिस के दौरान ये देखा गया कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद जिन ट्विटर हैंडल से जुबैर का समर्थन किया गया था उनमें से ज्यादातर मध्य पूर्वी देशों जैसे यूएई, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान जैसे देशों से थे। बता दें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबैर को पुलिस हिरासत में भेजा था।